मित्रों, सत्य को जानने के लिए आपको बड़ी बड़ी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वेद, कुरान, उपनिषद ऐसा कोई शास्त्रों का भी अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य अध्ययन करके प्राप्त नहीं होता है। सत्य तो सीधा साफ होता है, सरल है। सत्य सरल बात है, उसके साथ राजी होना है, बस सत्य के साथ राजी होना है तो ही आपको सत्य अनुभव होगा। पढ़ के, अध्ययन करके, समझ के इस तरीके से हमको सत्य का अनुभव कभी होगा नहीं। कि बात इतनी बड़ी है ही नहीं, है ना? किसी गणित के हिसाब जैसी, किसी शास्त्र के थ्योरी की जैसी ऐसी कोई बात नहीं जिसके बारे में रिसर्च होगा, बहुत ज़्यादा आपको एनालिसिस करना होगा, विश्लेषण करना होगा, व्याख्या करना होगा, तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। सीधी साफ बात है ना, उसको सीधे ही देखना है, सीधे ही जानना और राजी होना है। हम राजी नहीं होते हैं, बात यहीं बिगड़ती है, है ना? हम राजी हो जाएं तो जीवन तो खुला किताब है, सरल है। और सत्य को जानने के लिए क्या है, वो राजी होने का अर्थ क्या है, उसको समझना है। तो सत्य का अर्थ है जैसा है, है ना? जीवन जैसा है वो तो दिख रहा है ना, बाहर खुला है, तो उसको देखना है। और शास्त्रों को बीच में लेने की आवश्यकता नहीं है। और सत्य अहंकार के कारण छिप जाता है, है ना? तो अहंकार ही सत्य को, सत्य का पर्दा है। अहंकार सत्य का पर्दा है। हमारे पास अहंकार है इसलिए इतनी सरल सीधी बात को भी हम देख नहीं पाते, है ना? हमारे पास मैं का भाव है, मैं हूँ, ये भाव है, इस कारण हम ये बात नहीं जान रहे हैं कि मैं नहीं हूँ। सत्य तो ये है कि आप नहीं हो, कोई भी अलग है नहीं, ये सत्य है। और इसको जानने के लिए कोई प्रमाण देना आवश्यक है ही नहीं। आपका शरीर देखिए आप, वो कुछ अलग नहीं है, है ना? आपके शरीर बनने के लिए पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु, जो जो है भौतिक पदार्थ, ये सभी चीज़ों का ये शरीर कॉम्बिनेशन है, ये कोई अलग इकाई ये है नहीं। और ऐसी भी नहीं कि एक बार बन के फिर अस्तित्व से अलग हो गई, ऐसी नहीं, लगातार अस्तित्व के साथ जुड़ी ही रही है। प्रतिपल इस शरीर को रहने के लिए, बचने के लिए प्रतिपल इसको सांस लेना होगा अस्तित्व से, और ऑक्सीजन और सांस तो बाहर से हमारे अंदर ही आएगी, है ना? तो किसी भी कारण से हम इस शरीर को अलग नहीं मान सकते हैं। और अलग मानने का अर्थ है कि मैं मान नहीं सकते, और हम अपने को मैं कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम ये कह रहे हैं कि मैं कुछ अलग ऐसा हूँ जो दूसरों से भिन्न है, है ना? मगर दूसरों से भिन्न यहाँ कोई भी चीज़ नहीं है, सब जुड़ी हुई है, मैंने कहा। और ऐसी भी जुड़ी हुई नहीं कि एक बार जुड़ के बनी फिर अलग होगी, ऐसी नहीं, लगातार जुड़े। हमारा शरीर लगातार अस्तित्व से जुड़ के ही जी रहा है ना? आपको फिर भूख लगेगी, फिर खाना पड़ेगा, फिर प्यास लगेगी, फिर पानी पीना पड़ेगा, इसे लगातार जुड़ रही है। तो शरीर को हम मैं कह नहीं सकते, और ये सीधी सरल बात है। और मैं कहने का अर्थ है कि हम भिन्न है, और भिन्न ये है नहीं। तो जो चीज़ भिन्न नहीं है या जो चीज़ दूसरे की है, नहीं? उसको हम अपनी नहीं कह सकते, और ये कहना ये गलत है, ये चोरी है। इसलिए अहंकार चोरी है। अहंकार का अर्थ है जो चीज़ आपका नहीं है उस पर आपने दावा कर लिया, ऐसा एक भाव आपके भीतर पैदा हो गया। उस भाव ने आपको अस्तित्व के साथ, तो आप जुड़े ही हो ऐसा कहने से फिर अलग तो नहीं होंगे, फिर भी एक मान्यता आपको, एक सोच आपके भीतर है जो मानती है अपने को कि आप कुछ हो, आप कुछ दूसरों से भिन्न हो, आपका कुछ अलग एग्जिस्टेंस है ना? ये मानते, मगर हम ये मानते क्यों है, ये मैंने कहा ये झूठ बात है, ये वास्तव में एक पाप भी है, एक अपराध भी है, मगर हम इसको अपराध नहीं मानेंगे क्योंकि परंपरा में ये चलता है। जो चीज़ परंपरा में
चली आ रही है और सभी लोग जिसको मानते हैं उस चीज़ को मानना हमको लगता नहीं कि ये गलत होता है, नहीं? हमारे लिए गलत और सही की परिभाषा क्या है? जो लोग बहुत सारे लोग जो मानते हैं उसको मानना सही है, तो बहुत सारे लोग जिसको नहीं मानते हैं उसको मानना गलत है, ये हमारी सही और गलत की परिभाषा है। मगर सही और गलत, सत्य और झूठ का संबंध कितने लोग मानते हैं इससे नहीं। ऐसा नहीं है कि संसार के सभी लोगों ने मान लिया, सभी लोगों ने मान लिया कि चोरी करना पाप नहीं है, तो फिर आप चोरी करेंगे और उसको आप पाप नहीं कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे, है ना? इसलिए हमारे सोसाइटी में जैसे परंपरा से सभी लोग मानते आ रहे हैं कि जैसे महिला है ना, महिला पुरुष के लिए एक भोग्य वस्तु है। अब ये सभी लोग मानते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, इसलिए हम भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। मगर ये गलत कर रहे होते हैं हम, मगर हमको ऐसा करना गलत लगता नहीं क्योंकि सभी लोग इसको मान रहे हैं। तो ऐसे ही हमने अपने को मैं जो मान के रखा है उसको भी मैं मानना हम गलत नहीं मानेंगे क्योंकि ये सभी लोग मानते हैं, अपने को मैं सभी लोग मानते हैं, तो इसलिए हमको भी अपने को मैं कहना है, इसको हम ठीक मानते हैं। मगर ये बात ठीक नहीं है, ये बात गलत बात है, हम अपने को मैं कह नहीं सकते क्योंकि हम भिन्न हैं। अगर कोई अलग आइटम है तो ही अपने को हम मैं मान सकते हैं, अगर हम भिन्न आइटम ही नहीं है जैसे तभी हम मैं हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, जब आपको आपके शरीर को आपके मन को इस पृथ्वी से अलग करके ऐसी जगह पर ले जाएं जहां आप ही हो और कुछ नहीं हो, अगर वहां भी आप जी सकते हो तभी आप हो, है ना? अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं डाला, आपके शरीर में भोजन अन्न पानी नहीं डालें और आप इस सूरज भी आपको इससे भी अलग आपको कर दिया, पृथ्वी से भी आपको अलग कर दिया, तो भी आप बसते हो, तो आप कुछ हो अलग, मगर आप ऐसे तो बसते नहीं हो। आपका जन्म हुआ आपको पता नहीं कि क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, आप मृत्यु होगी पता नहीं कि कब होगा कैसे होगा, आपका किसी चीज़ पर विश्वास अधिकार नहीं है। तो इस स्थिति में अपने को मैं मानना ये एक गलत बात है, ये अपराध जैसा ही है ना? मगर सभी लोग मानने के कारण हम इसको अपराध मानते नहीं, तो ये इससे हम भ्रम में पड़ जाते हैं। मगर बात तो ये झूठ ही है, एक किस्म से ये पाप ही है, एक चोरी जैसी है, क्योंकि चोरी का अर्थ वही है कि जो दूसरे की चीज़ हो उसके उसको अपनी बना लेना, यही चोरी होती है। तो ये अस्तित्व का शरीर है, ये हमने अपना बना लिया कुछ अलग, तो हमने दावा कर दिया अस्तित्व से हमने चुरा लिया, तो इस तरह अहंकार एक चोरी है। तो सत्य जानने का अर्थ ये है कि जैसा है उसको वैसा ही जानना, ये सत्य जानना है। झूठ का अर्थ है जैसा नहीं है ऐसा जानना मानना, ये झूठ है, हम झूठ में जी रहे हैं। जिसके पास भी अहंकार होगा, जिसके भीतर भी मैं भाव होगा, वो झूठ में जी रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा कोई अलग चीज़ ही है ही नहीं, भिन्न ऐसा कोई चीज़ है नहीं। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि आपको मैं कहना बंद कर देना होगा, लोगों के आगे आपको मैं नहीं हूँ कहना है, ऐसा नहीं है। लोगों के बीच में अगर आप मैं नहीं हूँ कहेंगे तो वो फिर आपको कुछ देंगे ही नहीं, वो तो कहेंगे कि आप तो कुछ हो ही नहीं तो आपको क्यों दे, तो आपका जीना तो हराम हो जाएगा। इसलिए दूसरों के आगे समाज में मैं कहना बंद कर देना चाहिए ऐसा नहीं कहा, लोगों के साथ तो बात करने के लिए मैं की आवश्यकता होगी, इसकी उपयोगिता भी है ना? मगर भीतर से जो हमने संरचना बना लिया है एक मान्यताओं के कारण, उस संरचना को देखना है, उसको मिटाना है, और उसको समझ के ही आप मिटा सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि क्या सच में आप कुछ अलग हो या नहीं हो, क्या आपका मैं एक मानी हुई बात नहीं है, इसको देखना है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, अभी उसने लैंग्वेज सीखा नहीं, तो उसके भीतर क्या मैं भाव होता है, उसके भीतर मैं भाव नहीं होगा, उसके भीतर मैं भाव धीरे धीरे विकसित होगा, जितना वो व्याख्या करता करता जाएगा उतना उसके भीतर मैं होता जाएगा।
और ये सब कहना कि मैं ये नाम का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस जात का हूँ, इस पेशा का हूँ, इस वर्ग का हूँ, इस लिंग का हूँ, तो इस तरह जो हम अपने को मैं कहते हैं वो सब एक मान्यता, वो सब मानी हुई बातें, हमने मान लिया कि हम ये हैं। हिंदू परिवार में हो गए तो इसलिए हमने मान लिया कि हम हिंदू हो गए, हिंदू हैं हम, तो हम मैं हिंदू हूँ इसका क्या अर्थ है? मैं हिंदू हूँ का अर्थ है कि आप कुछ व्याख्या कर रहे हो अपने को खड़ा करने के लिए, नहीं मैं ऐसे ही बनेगा तो नहीं, झूठ ऐसे ही बनता नहीं, सत्य ऐसे ही होता है, है ना, सत्य होने के लिए कुछ आवश्यकता पड़ता नहीं, मगर झूठ को होने के लिए कुछ आड़ भरोसा आधार आवश्यक होता है, कुछ मान्यताएं आवश्यक होगी और वो सच पर ही खड़ी होगी। झूठ को खड़ा करने के लिए भी सच का आधार आवश्यक होता है, क्योंकि झूठ का अपना पैर होता नहीं, इसलिए वो सच के पैर को ही टेक कर खड़ा होगा। इसलिए जैसे चोर होते हैं, चोर भी अपने को चोर मानते नहीं, है ना, चोर अपने को चोर मानते हैं तो वो चोरी नहीं करेंगे ना, अपराधी अपने को अपराधी मानते नहीं, अगर मानते हैं तो वो अपराध करेंगे ही क्यों, वो तो अपने को अपराधी मानते नहीं, वो कुछ व्याख्या कर देते हैं सत्य के आड़ में, वो अपने को ठीक साबित कर देते हैं, वो इसलिए मैंने अपराध किया ताकि इस कारण से ऐसे ऐसे कारण देंगे, वो सत्य का कारण देंगे, हैं, तो उस बात पर वो टिक कर अपने को अपराधी नहीं मानेंगे और इस कारण वो अपराध करेंगे। तो हमारा जो मैं है वो भी ऐसे ही नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अब ये मान्यता क्या क्या है, सबसे पहली मान्यता है कि सोसाइटी, है ना, आपका वर्ग, आपका जात, आपका धर्म, आपका नाम, आपका पेशा, ये बाहर की आइडेंटिटी है, और भीतर की आइडेंटिटी है आपका शरीर, ये शरीर हूँ मैं, है ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये डॉक्टर हूँ कहना भी एक मान्यता है, हमने मान लिया कि अपने को मैं डॉक्टर हूँ, ये मान सच बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब आप डॉक्टर नहीं हुए थे तब आप है ही नहीं थे ही नहीं, ऐसा नहीं था, डॉक्टर तो आप MBBS करके डॉक्टरी करके 25-26 साल की उम्र में हुए थे, उससे पहले भी आप तो थे, है ना, आप नेता हो गए, मंत्री हो गए, तो मंत्री तो आप 50 साल में हुए, तो आप कहते हो मैं मंत्री हूँ, तो इसका अर्थ क्या आप उससे पहले कुछ थे ही नहीं, है ऐसा नहीं, आप तो सदा ही थे, बचपन से डॉक्टर आप होंगे और एक दिन आप रिटायर भी हो जाएंगे, नेता से आप बर्खास्त हो जाएंगे एक दिन, फिर आप नेता नहीं रह जाएंगे, तो नेता होना, डॉक्टर होना, ये कुछ भी होना, ये सब मानी हुई बात है कुछ समय के लिए, और ऐसा सत्य होगा नहीं, चेंजेबल, कभी वो मैं डॉक्टर हो गया, कभी वो मैं धनी हो गया, कभी वो मैं गरीब हो गया, कभी वो, है ना, ऐसा चेंजेबल सत्य हो नहीं सकता, असत्य ही चेंजेबल होता है, जो हमारा वास्तविक स्वभाव होता है वो कभी बदलता नहीं, वो जैसा है वैसा ही होता है, मगर जो हमारी आइडेंटिटी है वो बदलती रहती है, क्योंकि झूठ पर, मान्यताओं पर, विश्वासों पर टिकी हुई होती है। तो ऐसे ही ये भी व्याख्या है कि मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ, मैं शरीर हूँ, है ना, ये भी ऐसे ही मान्यता है, मगर हमको ये थोड़ा जटिल बात लगता है, क्योंकि जब हम शरीर पर आ जाते हैं तब हमको लगता है नहीं भाई ये बात तो ठीक है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये झूठे है मान्यता है, मगर मैं शरीर हूँ ये कैसे झूठ हो सकता है, क्योंकि इस शरीर में कुछ होता है तो मुझे भी हो जाता है, इस पर कुछ चोट पहुँचता है तो मुझे दुख जाता है, दुख का अनुभव हो जाता है, मन में कुछ विचार चलते हैं तो उसका प्रभाव पड़ जाता है, तो कैसे मैं मन और शरीर नहीं हूँ, तो ये हमको ये लगता नहीं, मगर ये भी एक गहरी मान्यता ही है। आपके शरीर में कुछ हो जाता है तो आपको दुख पहुँचता है, इसका कारण ये है कि आपने अपने को शरीर मान लिया ना, तो शरीर में जो होगा फिर आपको भी होगा, आप जो मानेंगे तो उसका असर आप पर पड़ेगा, आप मानोगे मैं विचार हूँ तो फिर विचार में जो पैदा होगा वो आप पर, आप कहेंगे जो मन में चलते विचार है वो आप हैं, तो फिर आपको दुख और पीड़ा में जीना होगा, क्योंकि विचार तो ऐसे ऐसे चलेंगे, दुख पीड़ा वाले विचार चलेंगे, आप कहेंगे अपने को मैं भाव हूँ तो फिर भाव तो ऐसे ऐसे चलेंगे, वो सब आपको भुगतना पड़ेगा। तो चोर को भुगतना पड़ता है, जैसे चोर को चाहे उसको आप जेल में डालो चाहे ना डालो, वो
उसको मानसिक रूप से उस अपराध को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे ही हमको भी, हम अपने को मैं कहते हैं तो उसको भुगतना पड़ता है उस अपराध को। तो अहंकार, अहंकार एक अपराधी है। तो इसलिए अहंकार, जितना बड़ा अहंकार है उतना बड़ा अपराधी है। इसलिए जिसके पास जितना बड़ा अहंकार होता है वो उतना पीड़ा पाता है। बाहर का जेल नहीं, उसके अंदर का जेल, हर एक आदमी के अंदर उससे बड़ा जेल है जो बाहर जेल होता है। बाहर के जेल में तो आपको बंद करते हैं तो भी आप भीतर तो खुले ही होते हैं। आपका हाथ पैर भी कोई डाल दे तो भीतर से आप खुले हो सकते हैं। तो बाहर का जेल, जेल वास्तव में है नहीं, भीतर को जो हमारा जेल है वही वास्तविक जेल है। तो जिसके पास अंदर जितना बड़ा अहंकार होगा वो उतना सजाए भुगतेगा। जो अपने को मानेगा मैं इस संसार से सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सम्राट जैसा हूँ, तो उसको उतना ही चोट भी, दुख भी झेलना पड़ेगा। उसको कोई नमस्कार नहीं कर देगा तो वो एकदम से दुखी हो जाएगा। नहीं, किसी ने उसको कुछ कह दिया, नेगेटिव कमेंट कर दिया, तो उससे वो बहुत पीड़ित हो जाएगा। तो इस जेल में पीड़ा खप रहे हैं। तो अहंकार जेल में होता है, वो अपराधी होता है, क्योंकि उसने भी चुरा लिया ना, इस शरीर को चुरा के अपना बना लिया। शरीर जो उसका था नहीं, अस्तित्व का था, और मन भी जिसका था नहीं, अस्तित्व का था। तो सीधी सरल और साफ बात यही है कि आप सत्य को देखो, उस पर राजी हो जाओ, और सत्य को जानने के लिए बड़ा शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल राजी होने की बात है। सीधी सरल बात को देखना है कि जिसको मैं कहता हूँ मैं अपने को, वो एक मानी हुई बात है, ऐसा कुछ होता नहीं। मैं जैसा हूँ वैसा ही खुद को देखना चाहता हूँ, यही सत्य पर राजी होने की बात है। हम कुछ भी मान्यता इसमें डालेंगे नहीं, जीवन जैसा है ऐसा ही देखेंगे। जीवन ना कुछ है तो हम ना कुछ को जानेंगे। जीवन आनंदमय हो तो आनंदमय हो जाएंगे, जीवन दुखमय हो तो दुखमय हो जाएंगे। तो सत्य को जानने का अर्थ है इसमें, सत्य क्या है, कैसा होना चाहिए ये नहीं है। सत्य कैसा होना चाहिए ये हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे हाथ की बात नहीं। सत्य कैसा है हमारे हाथ की बात, हम कुछ भी माने सत्य तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो सत्य आप जानना चाहते हो तो आपको भी सत्य जैसा ही होना होगा। तो सत्य यही है कि आपके भीतर कुछ भाव, मैं का भाव नहीं होता, आप सब जुड़े हुए होते हो, शरीर भी जुड़ा हुआ होता है, मन भी जुड़ा हो, आत्मा भी जुड़ी हुई होती है। तो इसमें कहीं भी मैं कहने जैसी बात होती नहीं है, और इसमें मैं कहना एक अपराध होता है। तो भीतर से जो आपका मैं का संरचना बना है ना, मान्यताओं के कारण, तो उसको मिटाने की बात है। आप सत्य पर राजी हो जाओगे तो मिट जाएगा, है ना। और जो आपने अपने को मैं मान के रखा था ना, वो भी एक राजी ही हुए थे आप, है ना। अहंकार भी तभी हुआ है कि हम अहंकार से राजी हो गए थे। हमने अपने को मैं मानना भी, इसमें भी राजी हो गए थे ना। दूसरे ने माना अपने को, हमारा पड़ोसी था, हमारा ही जात का था, हमारा ही धर्म का था, हमारा ही वर्ग का था। तो अपने को हिंदू मानता था, वो अपने को धनी मानता था या गरीब मानता था, महिला मानता था, पुरुष मानता था। हम भी राजी हो गए उसकी बात में, हमने भी राजी हो गए। हम भी अपने को कहने लगे कि मैं भी हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, या हिंदू हूँ या महिला हूँ, तो राजी हो गए हम। झूठ को झूठ के साथ हम राजी हो गए। और मैंने जो आपको कहा, सभी लोगों ने, अनेक लोगों ने जिन बात को मान के रखा है, उन बात को मानना हमको लगता है कि ये सच है। तो इस कारण हम भ्रम में पड़ गए और असत्य के साथ जीने के लिए हम राजी हो गए। तो सत्य के साथ जीने के लिए भी ऐसे ही राजी होना है। राजी हो जाओगे तो वो बात आप मिट जाएगी, अहंकार की, मैं की होने वाली भाव, मैं कुछ अलग हूँ, ऐसा आप एकदम से आकाश जैसे शांत, आनंद प्रकाशित, है ना, ऐसे सौंदर्यपूर्ण, प्रेमपूर्ण। तो ऐसे सत्य के साथ आपका तादात्म्य हो सकता है अगर आप राजी होते हो। तो राजी होना यही है, आपको समाज ने राजी कर लिया और आपके, आप अहंकारी हो गए, है ना। तो सत्य की बात यही है कि आप अब सत्य के साथ राजी हो जाओ। आप समाज के साथ राजी मत हो, उस बात को आप मत मानो, है ना।
तो जैसा सत्य है उसी पर राजी हो जाए। अब तो खुली बात है, है ना। इसको जानने के लिए मैंने कहा कि कुछ आवश्यकता नहीं, कुछ शास्त्र पढ़ने की, कुछ ध्यान करने की, या कुछ समय लगने की, ऐसी बात नहीं है। जब आप राजी हो जाओगे तभी आपका भीतर कुछ बचेगा नहीं, आप जैसे है ऐसे ही रह जाएंगे, है ना। सत्य का अर्थ ये है कि आप जैसे है ऐसे ही रहेंगे। अभी आप जैसे है ऐसे ही नहीं है, अभी आप अहंकार है आपके भीतर, तो जैसा है वैसा नहीं है। आपने कुछ अपने को अलग बना लिया है मान्यताओं के कारण, वो भी वास्तविकता में अलग नहीं, मान्यता के कारण अपने को आप अलग मान रहे है ना। तो जैसा है ऐसा ही मानना है, उसके साथ राजी होना है। तो कैसा है, जैसे आकाश है, कैसा है आकाश, शून्य की जैसा है, सभी तरह है, फैला हुआ है, कुछ नहीं है। मगर कुछ नहीं होने के कारण ऐसा नहीं कि वो मृत्यु है। आकाश कुछ नहीं है मगर सभी कुछ है। अगर आकाश नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। तो कुछ नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि कुछ नहीं होना है, है ना। कुछ नहीं होने का अर्थ सभी कुछ होना है। आपके भीतर जो मैं है वो मैं नहीं होने के कारण ऐसा नहीं है कि आप मर जाएंगे, आप फिर सभी कुछ हो जाओगे, आप जुड़ जाओगे ना, पूरा आकाश ही आपका हो जाएगा। फिर जहाँ तक आकाश ब्रह्मांड अनंत है, आप वहाँ तक आप भी अनंत हो जाएंगे, आपकी आत्मा भी अनंत हो जाएगी। तो अपने को राजी करना है इस बात पे। मित्रों आज के लिए इतना ही। आप मुझसे और जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, उसका नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।